अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज मीडिया का जो किरदार हो चुका है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदारी थी मीडिया की और आज हम क्या जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। आज हम फिर एक बार मीडिया के ताल्लुक से इसलिए बात कर रहे हैं कि आज हमारे किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। आज हमारी जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी हम सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं और ये कुछ ऐसे लोगों की वजह से हो रहा है जिसको मीडिया का मतलब नहीं मालूम और ऐसे लोग इसमें शामिल हो गए हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रुपया कमाना है। आज हम फिर एक बार ये कोशिश करेंगे कि मीडिया की असली जिम्मेदारी क्या है और मीडिया का हक क्या है और अवाम के ताल्लुक से मीडिया को क्या करनी चाहिए। नाज़रीन, एक मुल्क होता है और उस मुल्क में एक सरकार होती है, एक बिजनेसमैन जो इस मुल्क में डेवलप करने के लिए रुपया लगाता है और कुछ MLA लीडर्स जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं, कुछ रूलिंग पार्टी के। इनकी ये जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी को कैसे बढ़ाएं, बिना प्रगति के, बिना मुश्किलात के वो आगे बढ़ता रहे ताकि हमारा मुल्क सारी दुनिया में नाम कर सके। क्या ये लोग अपना जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं या नहीं, ये आम आदमी कैसे जान पाएगा? ठीक इसी वजह से मीडिया का जन्म हुआ, इसीलिए चौथा सुतून माना जाता है हमारे मुल्क में मीडिया का। लेकिन जब सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती है। फिर अवाम किस पर भरोसा रखें? इन न्यूज चैनल पर जो खबरों के नाम पर कुर्सी हड़पने के कहानियां लिखी जा रही है, जो सच्ची संजीदा खबरों को छोड़कर TRP के नाम पर अवाम को धोखा दिया जा रहा है। एक डेमोक्रेसी मुल्क में अपने बारे में सोचने की सबको आजादी है, लेकिन हम मीडिया वालों को इस हक से हटकर सच की जबान बोलने की बजाय, हम अपने फायदे के बारे में सोचे बगैर अवाम के सामने हकायक रखने की बजाय आज कुछ रुसुखात रखने वाले लोगों के सामने झुकते नजर आ रहे हैं, उनसे मांगते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बदल दिया है हमने अपना किरदार? कौन क्या खबर सबने पहले लाएगा? इस दौड़ में सारे अखबारात और चैनल लग चुके हैं। ये होड़ सिर्फ खबरों के बाजार में रहने की नहीं है, बल्कि खुद को सबसे तेज, सबसे आगे साबित करने की है। एक ऐसी ये रेस बन चुकी है जिसका मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, और इस दौड़ में सारे लोग ऊंची TRP के ख्वाहिशमंद हो गए हैं, जिससे ज्यादा लोग देखें और ज्यादा इनको दौलत मिले। आज यही हालत तकरीबन मीडिया की हो चुकी है। उम्मीद है कि हम हमारे किरदार को सही करेंगे, अवाम का एतमाद और अवाम की आवाज बनकर हकायक सामने लाएंगे और ऐसे रुसुखात रखने वाले, ताकत रखने वाले लोग जो अपनी ताकत का, अपने रुसुखात का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ हम खड़े होंगे ताकि आम आदमी के जो मसले मसाइल है वो हल हो। और यही जिम्मेदारी हम मीडिया की है, यही जिम्मेदारी इस पेशे की है। इस पेशे को बदनाम ना करें, इस पेशे को बेचने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस पेशे में बहुत ताकत है। ये पेशा एक ऐसा पेशा है जो हमारे मुल्क की आजादी में ऐसे सहाफियों का भी खून बहा है जिनकी कुर्बानियों को हम कभी नहीं भूल सकते। अवाम को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो आपको लगातार झूठ बोल रहे हैं, आपको अलग अलग किस्म से डराया जाता है, झूठ बोला जाता है, सुबह से शाम तक आपको झूठी तस्वीर दिखाई जाती है, ऐसे चैनल से, ऐसे लोगों से होशियार रहिए। कल तक लोगों से भीख मांगने वाले, आज उनके पास इतना रुपया कहां से आ गया? ये बात समझने की जरूरत है। ये पेशे में ऐसे भी लोग आ चुके हैं जिनको अपना खुद का नाम लिखना नहीं आता। ये पेशे में ऐसे भी लोग आ चुके हैं जिनका टारगेट यही है कि कैसे हम रुपया कमाएं और किसको कैसे बदनाम करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करें जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज के नाम पर, चैनलों के नाम पर आपको धोखा दे रहे हैं, आपको झूठ बता रहे हैं, आपके साथ एक गंदा मजाक कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप संजीदा होकर समझेंगे ताकि आइंदा कभी हम फिर ऐसे लोगों की शिकार ना हो। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आफ्टर 10 years ऑफ सक्सेसफुली स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड कार्विंग अ निच फॉर इटसेल्फ, सक्सेस जूनियर कॉलेज प्राउडली इंट्रोड्यूसिंग Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University. A place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.